सतनाम श्री वाहिगुरु। नडौत बंदन अंकवार सर्व कला समरथ, डोलण ते राख्यो प्रभु नानक देख रहथ। मैं मूरख ही केतक बात है कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनया पेख्या सेगर पास न परे। संत सभा उठ गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, ज नानक कंत रंगीला पाया दुख न लागे। नानक दुनिया कैसी होई सालक मित रहा न कोई, पाई बंदी हिरत चुकाया दुनिया कारण दीन गोया। हे वाहगुरु अपना मेहर भरे हथ रख, शुभ कर्म कराई माड़े कमां तो बचाए। जीवन अपने चरणा च लाई, सुख दे तो विसरी ना, दुख दे सार सकै तन दे चंगे पासे वास्ते। अपने दर का भखारी ते कुकर बना के रख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। दाता तुद बिन होर दे मंगना सिर दुखा दे दुख, कलगिया वाले अमर दे दाते। खिस्सा तेरा हथ तेरा तन तेरा धन तेरा मन तेरा, इस दुष्ट बेईमान पापी के सिर ते मेहर भरे हथ रख। ए को कर्म करा जेडे तेन चंगे लगे, वो अकल दे जड़ी तेरे तक पहुँच सके। सही संत प्यारे मेल जिन्हें मिलिया तेरा नाम चिते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव महाराज, तुसीं धन हो धन बाला मरदाना जी। धन धन माता सुलखणी जी, बाबा श्री चंद जी लक्ष्मीदास जी। धन धन माता तृप्ता जी, पिता कल्याणदास मेहता जी। बिरदे नानकी राय बलार दौलता दाई माता तुलसा, तुसीं धन हो। धन गुरु गोबिंद सिंह, तुसीं धन हो। धन धन माता साहिब कौर, सुंदर कौर, जीत कौर, गुजर कौर। पिता तेग बहादुर महाराज, राणी मैणी जी, राजा फतेह चंद जी, शिवदत्त पंडित जी, टोडरमल जी, मोती मेहरा जी, टोडरमल जी, मोती मेहरा जी, कृपाल चंद मामा जी, धन धन बाबा दीप सिंह, धन धन बाबा बुढ़ा जी, धन धन बुढ़र शाह जी, धन आप जी के पंज प्यारे, भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोकम सिंह, भाई साहब सिंह, साहबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, धन भीखण शाह फीर, तुम धन हो। धन गुरु गोबिंद सिंह, तुम धन हो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तुम धन हो। कहिंदा वे दरियाए फकीर नूं क्यों झिड़कदा है, जेकर परदेयों खैर नहीं पाउण जोगा। वह सके पाइयां दे कारू वैर पाउंदा, जेकर विछड़े नहीं मिलाउण जोगा। वह जिउंदे पंछियां नूं कारू मारदा है, वह जेकर मरिया नूं नहीं मौण जोगा। आखा राम तू छड़ दे बदी ताईं, वह जेकर नेकियां नहीं कमाउण जोगा। जन्म लैण ते आंडिआं नूं भुल लैंदे, रज रज के पाप कमाए हैं जी। कोई डुब मर दे विच बह तरनी, गर्भ विच मसाणी ने खाए। धन पुरसो संत महात्मा ने, जेडे दया ने पार लिखाए हैं जी। आखा राम कहिंदा चंगे कर्म करके ताइयों जीवन मनुख भी आए हैं जी। अकाल पुरख ताई मेरी वंदना है, जेड़ा कुल नू आस पहुँचाउंदा ई। दीना नाथ दयाल गोपाल, कमर अपना हाल सुणाउंदा ई। तेरा नाम तू दुख तू हरन तू करन कारण, सही सब दे कष्ट मिटाउंदा ई। बाग बाग दा माली जहान बनिया, माली बाग नू आप सजाउंदा ई। रुद्र हो के करे शिंगार उसदा, ओए बर्मा रूप नू सब समाउंदा ई। नीचों उस दी करे मुराद पूरी, ओए नीचों होई के नाम त्याउंदा ई। लई सार कबीर दी नीर अंदर, ओदे तोड़ जंजीर पचाउंदा ई। ओ चौल खाले सदामे के प्रेम पिछे, ओदे सोने दे मैल चढ़ाउंदा ई। ओ प्रेम देख रविदास नू तारिया तैं, तन्ने जट दे बैल चढ़ाउंदा ई। बेड़ा सदने कसाई का पार किया, जात रूप ना ब्रह्म पछाउंदा ई। गनका कंजरी नू तारिया राम होके, ओए नाम देव दी तैण जमाउंदा ई। हुंडी तार दती नरसी भगत वाली, ओए सभा ध्यान होके प्रभ त्याउंदा ई। हुंडी तार दती नरसी भगत वाली, सभा होके त्यान होके प्रभ त्याउंदा ई। कृष्ण होके कंस नू मारिया तैं, उग्र सैन नू तख्त बिठाउंदा ई। ओए लंका भगत पवीषण नू बख्शदी ऐ, ओए राम होए के रौण मराउंदा ई। मारिया छत्री बाली सहंसर बाहू, ओए परस राम तो दुख मिटाउंदा ई। अजा मल तही तही तार दिता, ओए काल यमन नू पासम कराउंदा ई। बास देव हो कहे रचे प्राण ठाना, ओए बौना रूप नू आप मराउंदा ई। काली नाग नू नथिया कृष्ण होके, ओए मेरी बेर क्यों देर लगाउंदा ई। करी फजल साई, करी फजल साई, तेरा फजल हमेश मैं चाहुंदा ई। ओए बख्शन हार स्वामी, बख्शन हार स्वामी, औगण हारा गुण तेरे मैं गाउंदा ई। ऐस सिंध संसार दे बैन विचों, ओए तेरे बाज बन्ने किड़ा लाउंदा ई। आसा राम दे कष्ट नवार स्वामी, हथ जोड़ के वास्ते पाउंदा ई। हथ जोड़ के वास्ते पाउंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साहब जी, साध संगत जी, तुहाड़े चरणां च बेनती है कि जड़ियाँ मैं 12-13 वीडियो पहला पाइया, वो लोगों ने बहुत पसंद करिया।
हूँ अज मैं गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहब के लंगर का थोड़ा जहा विस्तार करना हाँ। तो उधर फिर बुले शाह भी दो बोल है कि ज्योति जोत समाउण तक यह वीडियो बनानी है। तो अगली वीडियो भेजूँगा इसके मगरों मुसलमाना की पंज नवाजा वाली मुहम्मद साहब ने की उपदेश दिता मुसलमान वीर उस अगली भेजूँगा श्राद्धा की भी श्राद्ध किस तरह बने हैं किने भेजे किने करे हैं तो वो इन्हों का मतलब की है। बुले शाह फकीर जीरी की पौद पट रहा शाह अनायत बुले शाह का गुरु शाह अनायत होया तो बुले शाह पहुँचया कहते गुरु जी कोई परमात्मा को मिलने का रस्ता दसो। उन्हें दो बोल बोलते कहता बोलिया रब का इतों वक् नहीं पर तेरी देखने वाली अख नहीं वो बोलिया रब का की पावना इधर पट तो इधर लावना कहता बोले ये देख ले कहा जी पौध लाई भी है ना घर एक दाना नहीं जाऊगा यदि चाहे तू पानी पाई आ रेह पा ले जो मर्जी कर ले एक दाना घर नहीं जाऊगा कहता इस पट के अगर दो किले में लाऊंगे 100 मन अनाज 100 मन चौल तेरे घर पहुँच जाए। बुले शाह फिर शाह अनायत कह रहा भी तेरे अंदर भी तस्ती है कहता बेईमानी चोरी ठगी चुगली निंदिया तो झूठ ये सब त्याग दे। तो बुले शाह ने फिर सारे गुरु के चरणों में मत्था टेक के सारे त्याग दे ते फिर जब मत्था टेकया तो शाह अनायत के चरणों में सिर रखा तो शाह अनायत वो बुले शाह फिर सिर नहीं चकता कहता की हो गया कहता उठ मोटे से फड़ के ठा लिया कहता जिस तरह मैं तेनों दसिया उस तरह तो करना गा रब इस तरह मिलता गा भी नवाजा पढ़निया तो रोजे रखने। तो बुला शाह कहता किहड़े रोजे रखा जी किहड़ियां नवाजा पढ़ा फिर उत्थे बुले शाह ने कहा कहता वे पठ नवाजा चिक्कड़ रोजे कलमा फिरी सियाई वो बुले नू रब अंदरों मिल गया भुली फिर लुकाई कहता सारी दुनिया भुल गई अज कहा तो मैं दिखा दो मैं अंदरों बिल्कुल साफ मन कर लिया जिस तरह कबीर कहता वो दुनिया कह रब नू सवेर ते शाम तक लभदी फिर रही है कहना मैनू कह रब मेरे पिछे पिछे फिर मैनू लभदा फिर रहा कबीर मन निर्मल पिया वो जैसे गंगा नीर वो पाछे लग गए हर पिर कहत कबीर कबीर हूँ तो जाए चढ़े संघासन मिलियो सारंग पाणी कोई राम कबीर आए कभी कोई न सके पछाण। फिर बुले शाह फकीर आनंदपुर साहब की धरती से गुरु गोबिंद सिंह महाराज को मिलन जाता अगर पहरेदार पूछे कहते कितों आए कहते जी मैं बुले शाह फकीर हैं तो गुरु गोबिंद सिंह मिलन आया सुनेहा पहुँचा गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा आओ भाई बुले शाह बुलाया गया तो बुले शाह गुरु गोबिंद सिंह के पास नहीं गया लंगर के घूमन लग गया कितने राज लगे हुए मिस्त्री लगे हुए उत्थे फिर बुले शाह फकीर ने वो देखा तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आ गया कहता भी बुलिया मंग की मंगना कि वह बड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी तो उम्र में थोड़ा जहा बड़ा था पर जाके चरणों गिर गया कहते नहीं बुलिया हूँ तो तेरे से कमी कोई नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बुले शाह चरणों में कहता बुलिया मंग की मंगना कहते है कोई मंग कहता हाँ जी हैगी मंगूंगा कहते दसो तुम की दोगे कहता बुलिया मंग ले जो कुछ मंगो उ मिल जूगा बुले शाह ने अपने बात अभी अपने बात से मंगते ना बुले शाह ने अपने बात नहीं मंगया कुछ भी। फिर कहता इटा तेरिया लगदिया रहन बलदा रहे तेरा चुल्हा यो मंग है दाता मेरी खुशी रहूगा बुला। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास बुले शाह काफ़ी देर रहा तो रह गया। फिर बुले शाह ने कहा कि बुलिया हूँ तू अपने नसूर कसूर च अपने देश चले जा हूँ बड़े भयानक जंग लगने ये कोई नुकसान भी हो सकता भी तुम हूँ इतने रहना ही चले जाओ हूँ साढ़िया जंगा दियारियां अज तो 50-60 साल पहला पंजाब दे विच जिवें हर एक जिमीदार बंदा जिमीदार के पास छोले दाल मसरी की मूंगी की मोठ मां हर हर ये चीज़ा हर घर दे विच होंदे कोई मुल नहीं लेने जाता था। अज सारा पंजाब जीरी ते आ गया ते गन्ने ते आ गया कणक ते आ गया सारा पंजाब के जिन्ने भी कोई अपने खाण जोगी भी नहीं बीजदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब जिहड़ा खाना तो गुरु गोबिंद सिंह उसनों मैं विस्तार नाल लग्या गल करना तो बड़े बड़े कड़ाहे होंदे उन्हां दे विच पानी का भर लेना उहदे विच थोड़ी जी दाल पा लेनी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस दे विच हल्दी लूण ते घिओ और रिझ रिझ के कड़ करके पतली दाल बने के रखी। गुरु गोबिंद सिंह ने कदे मीट नहीं खाया ना सिंघां नूं आर्डर दिया भी तुसीं भी नहीं खाना बिल्कुल भी। हुण
औरंगजेब के जेडे बादशाह थे वो फौजी सन वो दोनों टाइम मीट खाते थे। तो हुण तुसीं जंगल दे विच इक शेर देखे आ, शेर 10 किलोमीटर रोज का खाता, तो वह 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, हार्ट अटैक होकर मर जूगा। जी शेरनी है वह थोड़ा बहुत खा लूगी, बाकी वो वैश्विक भोजन चलती है, वह 3-4 किलोमीटर दौड़ के भी शिकार कर लेती है। हुण तुसीं दसो भी घोड़ा जिहड़ा वह मीट खाता 20 क्विंटल वजन चकदा, घोड़ा खच्चर ऊंठ गधा ये कोई मीट खाते? जिहड़ा बंदा मीट आंडा शराब सिगरट बीड़ी पींदा वो बुद्धि प्रीत हो जानी तो मत मारी जानी है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज हूँ अपने अंदर भी चातियाँ मार लो भी असी बुले शाह ने तो 1 सेकेंड च पा लिया। बाबा शेख फरीद आज मिलावा शेख फरीद, शेख फरीद ने कहा भी 1 सेकेंड च मिल जाएगा, बुले शाह ने सेकेंटा च पा लिया। हूँ साढ़े लोगों की होगी बुद्धि प्रीत मत मारी गई ना, तो असी अमृत छक लिया, गुरु का कहना किसी ने नहीं मनिया। सलाम जवाब दोवें करे तो मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़िया थाए नकाई पाए। उधर फिर 6वें पातशाह हरगोबिंद सिंह जी इसके पास 35 खां होया, वो माँ बाप छोटी उम्र च गुजर गए थे। जदों फिर गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने इन्हों अपने पुत्रां तो वध पालिया, दुध घी मतलब जो भी सरिया तो वह खिला गया, एडा सूरबीर योद्धा होया 35 खां, जिहड़ा 1-2 झोटे भिड़दे हुण दवानों सिंघां दे फड़ के ऐ सुट दिंदा था, साण भिड़दे हुण ऐ सुट दिंदा था। 4 पहलवान इहदा जोर कराए करदे थे, घोड़े नूं थले बैठ के हत्थां ते चक ले करे था। तो गुरु हरगोबिंद सिंह दे नाल इक चलो बाजगी तो एक झगड़ा ही सीगा, बाद दे झगड़े दे विच फिर 35 खां उधर दूजियां फौजां नाल मुसलमानां नाल रल गया, तो गुरु गोबिंद सिंह ते बेमुख होया। वो बेमुख हो राम ते लगन जन्म बजोग, वो 96 कौड़े हो गए, वो जितड़े माया भोग। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहिंदा मैं पकड़ के भी लिया सकदा, मैं मार भी सकदा। ये सोचा सोच के उधर फौजा देकर कहते हाँ ठीक है, तो फिर तो कम नेड़े आ जूगा। वो जट बैठ के पढ़ के खेती, वह प्रभु नूं कौन मारूगा, तो कुल दुनिया का प्रेती हरगोबिंद सिंह नूं मारने वाला है कोई? 35 खां कहिंदा मैं फड़ के भी लिया सकदा, मार भी सकदा। वो पंज प्यादे पंज पीर छठम पीर बैठा गुरभारी, वो अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी, वो चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी, दल पंजन गुरसूरमा वड़ जोधा बहु पर उपकारी। उधर से फौजा आ गया दो पास, एक पास फिर अगे खड़े 6वें पातशाह हरगोबिंद सिंह महाराज। उधर 35 खां कहते वो 35 खां इन्हों क्यों मरवा लग्या, ना आप मरना इन्हों मरवा, आप जो तू दिल में धार के आया आ जाए तो मैदान च, आप दो जंग करके देख लें। छाल मार के आ गया 35 खां अगे, फिर घोड़े से सवार होकर तो हरगोबिंद सिंह ने कहा भी 35 खां तेन 3 वार गए कर रहे, 3 वार करे 35 खां ने सारे वार खा ले। तो 6वें पातशाह हरगोबिंद सिंह कहना वो 35 खां ले हूँ असी 1 वार से तेरा कम कर देना। 6वें पातशाह ने कहा कहता 35 खां जो वार करना हो करीदा, इतों मार के इतों ए कर दे, 2 पीस कर दे। कहता हाय अम्मा, कहता हाय अम्मा का टाइम नहीं है 35 खां, हूँ कह हाय अल्लाह, ढाल की छां करके खुदा दे रूप च भेज दिया, खुदा दे घर भेजिया बुले इनू 35 खां। उधर फिर 35 खां के पड़पोते है दो, अतुल्ला खां ते जमशैद खां। उधर जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब भेजा, ये मुसलमान इस्लाम दे विच सुपने नूं ज़्यादा मानते हैं, इस जिदन तो बंदा बहादुर भेजा इस सुपने लागे आने भी मैनू मारने वाला हजूर साहब से चलिया वा, यही कि गुरु गोबिंद सिंह आप आ रहे हैं कि बंदा बहादुर आया, उन्होंने लगे भी मैंने मारने वाले आए नहीं। इन्हें फिर दोवे भरावान बुलाया जमशैद खां अतुल्ला खां, ये 6वें पातशाह 35 खां के पड़पोते थे। तो फिर जिस वक्त फिर मजीद खां ने कहा वे तुम्हें मैं दोनों ये 2 थैलियां मिलियां जब बच्चे शहीद कराए थे, मैं मोहर लिया थी टोडर मल को 2 7800 दियाँ 2 मोहर दियाँ 2 थैलियां, कहता दोनों एक एक दे दूँगा भी तुम गुरु गोबिंद सिंह जी हजूर साहब खत्म करके आ जाओ। उत्थे चले गए, चल के जाके फिर भेद बिठाया सारा कुछ, गुरु गोबिंद सिंह का पता ही सीगा भी घटना वापरनी है। तो 6वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 2-3 टाइम भी दे मारनों, फिर तखत बैठे सवाए सवायमान होकर
ਪੈਂਦੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਖੱਪੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਟਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਦੂਆ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਤੁੱਲਾ ਖਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਝਟਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਰਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ 'ਚ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਤੋ ਜਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਣਕ ਬਾਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬਾਣ ਦੇ ਚੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਸੰਮਤ 1765 4 ਅਕਤੂਬਰ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਉਹ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਚਾਹੇ ਖੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੰਮਤ 1765 6 ਅਕਤੂਬਰ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਚੁਣਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਭੇਖਣ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਕਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਤ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਊਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਵਾਸਾ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਕੋ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੋਹ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ 40 ਸਿੰਘ ਅਤੇ 40 ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂਹੀਓ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਹੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊਂ ਗਿੱਦੜੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਭਜਾਊਂ ਚਿੜੀਓ ਸਮੇਂ ਬਾਤ ਚੜਾਊਂ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾਊਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦੇ ਗੰਮੜਾ ਵਿਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਪੀਓ ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਤਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦਹੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮਣ ਵਾਦ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ 5-4 ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ ਨਾ ਦਾਦਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆ ਉੱਠ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ
इको एक असूल मैं रखना सी या मैं या परिवार हुंदा एक वास्ते दिल विच सी थां मेरे या पंथ या पुत्रां दा प्यार हुंदा वक्त जदों इंसान ते आण पैंदा सप रस्सियां दे बण बण कट जांदे चंगे माड़े दी कोई नहीं परख करदा पासा मित्रां तों मित्र बट जांदे भावी आण के जदों सिरे सवार हुंदे अमृत छड़ के जहर नूं चट जांदे मौत जिन्हां दे याद होए साईं लोका लाहा इस जहान तों खट जांदे इत्थे भगदासा भी कही करदा था तन तन वे कुदरतां तेरियां नूं ते तां गमां च खेल रचा लिया ई पंज तत्त का पूतला तैयार करके पुट्ठा गर्भ दे विच लटका लिया 972 विच कोठड़ी दे उत्थे ज्ञान दा गैस जगा लिया ई 3.5 करोड़ दी सही गिणती ओए रोम रोम दे विच समा लिया ई 24,000 दा पैम दा नित घाटा बिना नाम तो ऐवें गवा लिया ई आसा राम हुण साज के अंग सारे ते तां बोल दा पुरख बना लिया ई इक पिछे बेड़ियां 3 भरियां दियां करनैल सिंह पारसियां मेरे याद नहीं रहियां इक मेरे मगरों याद आई है फिर ओह चलो मैं भुलदा वी आ चलो देख लैंदे बोल के औरंगजेब बादशाह नूं फिर गुरु गोबिंद सिंह जाफरनामा लिखदे हैं कहिंदा अजय शहनशाह गल्लां करे अमान दियां किला छड़ाया मैं तो कसमां कत कुरान दियां तोर सुगंध खुदा दी हो के मोमन ना डरिया भई कुंडल जासा कबीर खालसा अजय नहीं मरिया वो की होया जे लै ली है जिद चार मासूमां दी भई साड़ सुट्टू घर तेरा वो जालम वे मजलूमां दी तोर सुगंध खुदा दी हो के मोमन ना डरिया ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਜਾਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਖੂਨ ਨੇ ਵਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਕਾ ਡੁੱਟਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਵਿੱਚ ਤਫਾਨਾ ਬੇੜਾ ਪਾਪਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗਨਾਹੋਂ ਪੱਥਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਭਾਈ ਕੁੰਡਲ ਜਾਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਝਾਈ ਜਾਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਘਾਸ ਫੂਸ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੜਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਰੀ ਭਾਵੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਰਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਤੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਰਿਆ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਜਾਂ ਸਤਬੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਲੇਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਏ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਜੋ ਹੋ ਤੂਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਰਸ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਜਾਂ ਸਤਬੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਵੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਪਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜੀ ਓਏ ਬੇਦ ਬਿਆਸ ਕੇ ਬਚਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਡੋ ਕਦੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਉਤਮਾ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀ ਓਏ ਰਾਜੇ ਅੰਤ ਕੇ ਕੋ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਆਦਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਗਏ ਤਾਰੇ ਚੀਰ ਦਰੋਪ ਤਾਂ ਨਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਵੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਗਰਭ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਠਿਆਰੀ ਦਾ ਭੱਠ ਚੁੱਕ ਹੈ ਯੂਸਫ ਹੱਟੀਓਂ ਹੱਟ ਬਕਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਬਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੋਜੇ ਵੀ ਵਜਾਉਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੋਰ 5-4 ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ 5-7 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਜਾ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈ
Thank you.
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी अमृतधारियों को बेनती है मीठ ठंडा शराब सिगरेट बीड़ी छड़ दो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ना तो बाणी पढ़ो थोड़ा जी करूँगा, ना बाणी सुनो जी करूँगा, ना अमल करने जी करूँगा। बेईमानी चोरी ठगी झूठ नहीं तो छड़ दो, बुले छाने एक सेकंड सिर आप पा लिया बच जो बचना नहीं। ढोल तो डगा बजे पे धियां भैन के घर का ना खाओ। नथल भरिए बाबा के इतिहास पढ़ लो तुम, नथल भरिए बाबा ने क्या कहा था। एक बंदे ने उस इलाके से पैसे ले गए, कुड़ी का ब्याह धूमधाम करके कर बाबा घर पहुंचा था। कहते भाई की करे, कहता मज एक गां है कि घोड़ा बोलते जोड़ा तुम बेचे। कहता नहीं, पिंड बुला के कट्ठा करके उन्होंने फिर वो पैसे मुड़ा के कहता हूँ मेरे होंगे का भोजन वैष्णु करके लावा ले चार। अज तो किसी ने कहा ती भैन के घर का नहीं खाना बचो, कहा नहीं तो फिर तुम फिर जूना थोड़े तो सामने पईया। कहता गुरु ग्रंथ साहब के पिया गा भगत कबीर से बाणी पढ़ लो तुम, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो पिछ सारा कुछ लिखा वा। कहता फिर जो कम माड़े करूँगा ना तुम थोड़े बात है बौलत की जोन खड़ी है। कहता चार तो तेरा होनी टंगा, दो तेरा सिंह होने, नक् तेरा पाड़े बने, मुँह तो बनी होनी तेरे छुकड़ी। आप उन्हें जट ने अपना रोटी टुक खा लेना, ना तू पानी मंगण जोगा ना खाना मंगण जोगा। बच जो इन्होंने जूनिया तो बहुत भैड़िया जूना गया बंदियां सलकियाँ, पर जे गुरु गोबिंद सिंह के बचना के पैरा दोगे बच जूंगे तर जूंगे, नहीं तो फिर तुम पते मरे भी पे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।